तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उदयपुर आ रहे हैं। यहां से मेवाड़ की धरा पर वे अपने फायर ब्रांड भाषणों के जरिए उदयपुर संभाग को साधने का प्रयास करेंगे। मेवाड़ को यूं तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार चुनौती कुछ ज्यादा नजर आ रही है। एक और बड़ी तादाद में भाजपा के ही बागी हैं, तो दूसरी ओर इस बार पहले से ज्यादा दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी ट्राइबल पार्टियां, जो भाजपा को सीधे तौर पर ललकार रहे हैं। चुनावी परवान में नॉमिनेशन खत्म होने के बाद मोदी उदयपुर से पहली बार राजस्थान में चुनावी हुंकार भरेंगे। मोदी यहां से प्रदेश भर के चुनावी वातावरण को प्रभावित करने का पूरा प्रयास करेंगे। पीएम मोदी की यह सभा उदयपुर की नई बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में हुई। हालांकि इस मौके पर मेवाड़ से भाजपा का सबसे कद्दावर चेहरा माने जाने वाले गुलाबचंद कटारिया की कमी जरूर खलेगी, लेकिन इस बार सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहां मौजूद रहेंगे, जो खुद मेवाड़ अंचल से ही आते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हार और जीत का फैसला करने वाली 28 विधानसभा सीटों के समीकरणों को मोदी इस सभा के जरिए अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेवाड़ की इन 28 विधानसभा सीटों को सत्ता का गलियारा भी कहा जाता है। इसी कारण पीएम मोदी भी यहीं से चुनावी सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभ नगर, गोगुंदा, छाड़ौल, खेरवाड़ा और सलूमर सहित तमाम 28 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इस सभा में रैलियों के रूप में आएंगे। मेवाड़ बागड़ की इन 28 विधानसभा सीटों के गणित को जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको हवाला मिल जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी की इस रैली को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से आगामी 24 घंटे तक जिले में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे वगैरह वगैरह उड़ान पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। सियासी सूत्रों की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस सभा में मोदी अहमियत देते हुए नजर आएंगे। मेवाड़ की धरा से मोदी अप्रत्यक्ष रूप से वसुंधरा राजे को सीएम फेस डिक्लेयर कर सकते हैं। चर्चाएं तो ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से आला कमान की पटरी बैठ गई है। हालांकि यह तय नहीं माना जा रहा है कि आला कमान से पटरी बैठ गई है या मजबूरी में पटरी बैठानी पड़ी है, क्योंकि आला कमान को कई मुद्दों पर वसुंधरा को किनारे करने के खामियाजा का एहसास हो चुका है। ऐसे में प्रदेश में चाहे मेवाड़ हो या मारवाड़ हो, हाड़ौती हो या ढूंढाड़ हो, यहाँ की बगावत को शांत करना है और चुनाव भी जीतना है, और उसके प्रबंधन की रणनीति वसुंधरा से ज्यादा कोई नहीं जानता। वसुंधरा राजे को अभी से ही साथ लेकर चलना भाजपा आलाकमान को और भी ज्यादा हितकारी नजर आ रहा है। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।